नवंबर 18 के ऑटो सेल्स डेटा जो है वो आज आ चुके हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड का जो नवंबर सेल्स डेटा है उसमें नवंबर में जो इसकी लगभग 9% की सेल्स डिक्लाइन हुई है और यही रीज़न है आज काउंटर में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग काउंटर 107 के रेट पर अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ। और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, अगर हम बात करते हैं कि अशोक लेलैंड की लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तो लगभग 15% का इजाफा हुआ है, लेकिन इनका जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग 9% का जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन आया है एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट नवंबर 2017 के मुकाबले। ओके, और इसके कुछ रीजंस भी हैं। नंबर एक रीज़न तो यही है कि जो एक्सेल लोड नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं इसका एक कारण माना जा रहा है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट रीज़न जो माना जा रहा है वो जो पीछे NBFCs में जैसा कि हमने लिक्विडिटी इशू को देखा था, क्योंकि जो लोग हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि NBFCs से ही जो लोन्स हैं वो उठाते हैं, जो भी इनको व्हीकल्स परचेज करने होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर जब लिक्विडिटी इशू रेज हुआ NBFCs में तो कहीं ना कहीं एक पैनिक जनरेट हुआ, एक प्रेशर जनरेट हुआ और वो उसका असर भी जो नवंबर की ऑटो सेल्स थी उस पर हमें देखने को मिला। ओके, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि क्या अशोक लेलैंड के अंदर क्या लेबल्स रहने वाले हैं, कितना फॉल अभी स्टिल ड्यू है और यहाँ से क्या हमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। खैर, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर। आप पहली चीज़ तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अशोक लेलैंड कोई छोटी मोटी पैनी कंपनी नहीं है। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर पूरे इंडिया के अंदर और एक्सपोर्ट भी करती है, स्पेशली डिफेंस में भी इनके रहते हैं, बसेस वगैरह बनाते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा, अगर आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली NCR में, तो जो DTC का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले टाटाज के पास था, बट नाउ अब वो कॉन्ट्रैक्ट अशोक लेलैंड के पास है और अब अशोक लेलैंड की बसेस चलती हैं वहाँ पर। ओके, सो इनको अच्छे से अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी अपने कदम जमा रहे हैं। इनकी कोशिश चल रही है कि किसी ना किसी अच्छे कंपनी के साथ टाई अप किया जाए और जिसकी इनकी प्लानिंग के साथ साथ इनकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। खैर, वो आगे की चीज़ें हैं। जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक्सपेक्ट किया था कि 14,300 यूनिट्स की सेल्स आएगी, बट लगभग 13,121 यूनिट की ही सेल्स हो पाई और जो कि लगभग 9% का फॉल रहा लास्ट ईयर नवंबर मंथ के मुकाबले। इन द मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट द व्हीकल कंट्रीब्यूट 66% टू टोटल सेल्स। द कंपनी सोल्ड 8,718 यूनिट्स इन द मंथ गॉन बाई, डाउन 18% कंपेयर टू द नवंबर 17। ओके, सो लगभग 66% की जो टोटल सेल्स थी वो उसने कंट्रीब्यूट किए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि मीडियम टू कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 66% सेल जो है वो अशोक लेलैंड की तरफ से है। सो इट्स ए लीडर कह सकते हैं आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर एट प्रेजेंट। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मीडियम टू हैवी व्हीकल में, तो जो नवंबर 17 थी उसमें लगभग 10,638 यूनिट्स इन्होंने सेल की थी, वहीं पर नवंबर 18 में ये डिक्लाइन हो गई और 8,718 लगभग 18% का फॉल हमें देखने को मिला है नवंबर टू नवंबर में मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल में। साथ ही अगर लार्ज कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं तो आप देखेंगे सेल्स जो थी वो 3,000 जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर आती है बात हमारा, हाँ दिस इज़ द लाइट कमर्शियल व्हीकल, तो LCV इज़ द लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है लगभग 15% की सेल्स का इजाफा हुआ है, 3,819 यूनिट से बढ़ के 4,403 यूनिट्स जो भी कंपनी है उसकी सेल्स आई है। ओवरऑल जो सेल्स रही है टोटल 14,457 यूनिट्स लास्ट नवंबर में सेल की थी, बट इस बार 9% के फॉल के साथ 13,121 यूनिट सेल हुई हैं और जो कि इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4.5% काउंटर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 107.35 के इस वक्त पर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। एंड यहां पर ये भी वही चीज़ है कि अशोक लेलैंड अक्टूबर सेल्स सर्जिस 17%, यानी कि अगर हम अक्टूबर के पिछले महीने की सेल्स की बात करते हैं तो पिछले महीने सेल्स 17% सर्ज की थी, जबकि इस महीने 9% सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे अक्टूबर और नवंबर के मिला के तो ओवरऑल अभी तक जो सेल्स है वो पिछले अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले हायर है, बट नवंबर मंथ में फॉल हुई है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर में सेल्स फिर राइज करेगी एंड प्रॉब्ली ये जो क्वार्टर रहेगा इस क्वार्टर में ये लोग फाइनली अच्छी सेल्स डिक्लेयर करेंगे आने वाले समय में। बट ओवरऑल
काउंटर इज़ वेरी गुड एट प्रेजेंट रेट, आपको काफ़ी बेहतर है 107 रुपये। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी टेक्निकली जो बताया था, मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू दिखा देता हूँ। टेक्निकली अगर हम लोग अशोक लेलैंड की बात करते हैं, सो गाइस 105 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, स्पेशली वीकली क्लोजिंग अगर 105 के नीचे होती है देन आपको 100-101 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल काउंटर में लगभग 101 रुपये का, 100 रुपये का आप जो भी सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ टूटता है और 100 रुपीज़ के नीचे काउंटर जाता है देन काउंटर में आपको 90-95 की रेंज भी देखने को मिल सकती है जो कि बेस्ट बाइंग जोन होगा, बेस्ट बाइंग प्राइस होगा अशोक लेलैंड के लिए, क्योंकि ये वक्त करेक्शन का मोड है। और दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिए, ये मार्केट का नियम कहता है कि जो फियर मार्केट के अंदर अच्छे काउंटर्स को जो कि डिक्लाइन में हैं, काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, उनमें ख़रीदारी शुरू कर देते हैं या ख़रीदारी करते हैं गिरावट के साथ, वो लोग जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्जॉय करते हैं। रीज़न कि मार्केट अभी डीप करेक्शन में है, जिसका फ़ायदा जो बड़े निवेशक हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो ले रहे हैं और वो हर गिरावट पर क्वांटिटीज़ को परचेस कर रहे हैं, जबकि उनको पता होता है कि जो रिटेल निवेशक है वो कहीं ना कहीं इस पैनिक सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा है, वो फियर में है और वो बेच रहा है। तो रिटेल निवेशक तो लोअर प्राइस पे बेचता है, बट जो अच्छा निवेशक होता है, जो अच्छा ट्रेडर होता है, वो उन लोअर प्राइस पे बाइंग पोजीशन बनाता है अच्छे काउंटर्स में। और अशोक लेलैंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट स्पेशली। ओके, सो ये अशोक लेलैंड में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, 105 का लेबल इज़ अ वीकली सपोर्ट है। अगर आपको 105 से रिवर्सल मिलता है तो आप यहाँ पर छोटी कुछ क्वांटिटी 50-100 शेयर्स खरीद कर रख सकते हैं। 101 का लेबल अगर आता है, 1100 का लेबल आता है, देन आप अगेन कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कीजिए। 100 अगर टूटता है देन आपको 95-92 तक के लेबल भी देखने को मिलेंगे, बट डोंट पैनिक, वहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा स्टॉक एक लो प्राइस पे आपको मिलेगा और आप उस काउंटर के अंदर निवेश करेंगे। आप देखेंगे, अगर आपको ये लगता है कि अशोक लेलैंड बहुत गिर रहा है और 165-167 से 107 आ चुका है, तो मैं आपको ये लॉन्ग टर्म का चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगस्त 2013 यानी कि अगर हम बात करें दिसंबर, या यहाँ से बात कर लीजिए तकरीबन अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अगर हम बात करते हैं दिस वन और पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं हम लोग, ओवरऑल नवंबर और लगभग दिसंबर, 29 नवंबर 2013 यानी कि अब से ठीक 5 ईयर्स बैक, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एज जस्ट ₹14, केवल 14 रुपये पर यह काउंटर ट्रेड कर रहा था आज से ठीक 5 साल पहले। ठीक इसके बाद काउंटर ने अपना हाई कहां पर टच किया, लगभग 166 से लेके 167 तक। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मतलब 1000% से भी ज़्यादा काउंटर ने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों के अंदर, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 12 टाइम्स स्टॉक ने अपना टच किया हाई। और आप देखेंगे, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न मेकिंग फॉर्मेशन है। यहाँ से स्टॉक ने चलना शुरू किया, यहाँ पर हायर हाई बनाया एंड यहाँ पर हायर लो बनाया, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से फिर अगेन ये हायर हाई मेंटेन किया एंड ये हायर लो, यानी कि इस लो से अगर हम यहाँ से आपको सब कुछ हटा दीजिए एंड देन आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि कहाँ पर हायर हाई और हायर लो बन रहा है। ये देखिए, ये एक लो बना था एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर जो हायर हाई बना था, हायर हाई के बाद हायर लो बना था, उसके बाद अगेन हायर हाई हायर लो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि आप ट्रेंड को अप ट्रेंड, यानी अगर एलियट वेव की बात करते हैं तो एलियट वेव में 1, 2, 3, 4 एंड नाउ यहाँ से एक बिग अप मूव इज अवेटिंग इन द अशोक लेलैंड। और अशोक लेलैंड मुझे लगता है जब एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर आएगी, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द अशोक लेलैंड एट एवरी डिप। हर गिरावट पर आप इस काउंटर में, हर गिरावट पर आप इस काउंटर में कुछ ना कुछ क्वान्टिटीज को जरूर परचेज कीजिए टिल 90 रुपीज़। Till 90 rupees, the counter if comes to the 90 rupees, then it will be a great opportunity for you.
ये स्टॉक आपको एक ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो कि आपको आने वाले समय में मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी, और यहाँ से ये काउंटर जब स्टार्ट करेगा चलना तो ये नेक्स्ट हाई बनाएगा अबव 200 रुपीज़ की, यानी कि अपना प्रीवियस हाई जो है इसका, ये जो प्रीवियस हाई है ये तोड़ेगा 167 का, हायर हाई बनाएगा लगभग 190-200 के आसपास। सो दैट इज़ द गेम जो कि अभी अशोक लेलैंड के अंदर चल रहा है, समझना है आप समझ सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द अशोक लेलैंड काउंटर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। द काउंटर विल क्रॉस द 500-600 मार्क, राइट माई वर्ड्स, ये आप मेरी वर्ड्स नोट करके रख लीजिएगा कि अगले 5 सालों में ये काउंटर आपको लगभग 500-700 रुपये की रेंज में दिखाई देगा। स्टॉक में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बिजनेस ज़बरदस्त है, और आने वाला समय जो है इस काउंटर के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। सो अशोक लेलैंड इज़ अ वेरी गुड काउंटर, और जो भी ये गिरावट है, जो भी न्यूज़ आती हैं जहाँ पर एक पैनिक फेज़ होता है, पैनिक सिचुएशन होती है, उस फेज़ से आप निकलिए, पैनिक मत होइए, हर डिप पर आप इसमें ख़रीदारी करिए और प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए आप 1 साल होल्ड कीजिए जस्ट काउंटर को। उसके बाद आप इसमें जो रैली देखेंगे वो अनएक्सपेक्टेड होगी, अनएक्सपेक्टेड रैली विल कम इन इनटू द अशोक लेलैंड। सो गाइस गेट रेडी एंड कीप इन्वेस्टेड इन द अशोक लेलैंड एट एवरी डिप। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पर कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर दैट फंडामेंटली द काउंटर इज टू गुड, और ये आपको एक पैनी प्राइस में एक बड़ा स्टॉक अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर पैनी प्राइस में स्टॉक्स आपको परचेज करने हैं, पैनी स्टॉक्स आपको परचेज करने हैं, सो अशोक लेलैंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक इन द पैनी सेक्टर। सो दोस्तों ये हमने अशोक लेलैंड के बारे में बात की, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे स्टॉक्स जो कि पैनी प्राइस में इस वक्त अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करके आप लोग मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।